Hello everyone, I am Trupti. Welcome to NPC, the channel where you can learn all the concepts of physics. And in our previous video, we have learned lots of things like electrostatic potential, potential difference, with potential surface, and relation between electric field as well as electrostatic potential. Okay. And in our earlier video, we have discussed electrostatic potential energy i hope you have watched that video and like that video and today's topic is all about the electrostatic potential energy of a dipole in an external electric field means whenever a dipole is placed in uniform electric field what will be happen okay how can we calculate the electrostatic energy in that situation okay means agar aapne dipole ko यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड बट बिफोर आई स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वन बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब तक अगर आपको नहीं पता है तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे ओके सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो हमने लास्ट की वीडियो लेक्चर में पढ़ा है क्या होता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ओके सो चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स और वी कैन से इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ओके एंड पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ठीक है ये हमने पढ़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है नाउ अगर बात करें सिंगल चार्ज की इफ़ वी टॉक अबाउट द सिंगल चार्ज अगर सिंगल चार्ज की बात करें तो सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है या नहीं होती है आंसर दिस क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया था ये भी टर्म कि सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है जीरो होती है ठीक है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डि डिफाइंड है ओके मींस पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है वो डिफाइंड है सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है ओके okay. सो so, दिस्टम ऑफ टू चार्जेस अगर आप टू चार्जेस का सिस्टम लें तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ओके सपोज दिस इज क्यू वन चार्ज पॉजिटिव एंड फ्रॉम डिस्टेंस आर एनअर चार्ज इज क्यू टू एंड दिस विल ऑल्सो पॉजिटिव ओके सो वॉट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी सो पोटेंशियल एनर्जी और वी कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर हियर क्यू वन एंड क्यू टू टैक विथ साइन आपको क्यू वन एंड क्यू टू को साइन विथ साइन रखना है यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव चार्ज टू चार्जेस आर पॉजिटिव देन योर आंसर योर रिजल्ट विल बी पॉजिटिव एंड इफ वी टॉक अबाउट टू नेगेटिव चार्जेस देन योर आंसर ऑल्सो विल भी पॉजिटिव बिकॉज सेम लाइक चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है This is the इज द पॉजिटिव ओके बट ओपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की बात करें so this equation will be negative, okay. Potential energy एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी के लिए आपको जो इक्वेशन होती है उसमें विथ साइन चार्ज को पुट करना होता है ओके okay. तो so, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है electrostatic पोटेंशियल एनर्जी का अब हम जो मेन कॉन्सेप्ट है आज का हमारा उस पर आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस ओके अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने क्या किया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया ठीक है दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड दीज आर इक्विड डिस्टेंस एंड पैरल टू इच अदर इक्विड डिस्टेंस एंड पैरल होती हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड को उनसे बनने वाला उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यूनिफॉर्म ओके okay, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमने क्या किया एक डाईपोल को रख दिया ओके देर इज अ डाइपोल एंड एट पॉइंट ए There is a negative charge and positive charge is placed at point B. Okay. O is the midpoint of the dipole and the, the distance between the dipole is 2L. L plus L. Okay. Midpoint say A positive and negative. The charges ke ka distance se L and L. So total distance will be 2L. Okay. And this dipole is placed in. इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एंगल थीटा, ओके, डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा हुआ है अब डायपोल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है दैट इज पी इज इक्वल टू वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ओके डिस्टेंस क्या है टूवेल्व एंड डायपोल मोवमेंट इज अटर क्वान्टिटी ओके सो वॉट विल बी द डायरेक्शन सो डायरेक्शन विल बी ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है ठीक है नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव चार्ज पर सो चार फोर्स क्या हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू ई ओके एंड नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू तो फोर्स विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट ओके फोर्स क्या है इक्वल है और ऑपोजिट है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहां पर जीरो ये सारी चीजें हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में जब फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे तब हमने पढ़ा था ओके okay, यहां पर आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ठीक है अब नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इज जीरो ओके व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ नेट फोर्स जीरो हुआ इसका मतलब क्या है कि बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन सॉरी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ठीक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बॉडी न तो आगे न पीछे न ही ऊपर नीचे मूव कर सकती है ठीक है मीन्स बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है आगे पीछे ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकती ठीक है ठीके? अब क्या होगा देखिए कि बॉडी का या फिर हम डाइपोल का जो देखें ए पॉइंट एंड बी पॉइंट एंड दीज टू पॉइंट्स आर नॉट ऑफ सेम लाइन ऑफ एक्शन ओके ये टू पॉइंट्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है जब भी ऐसे सिचुएशन आती है वहां पर क्या अप्लाई होगा रोटेशनल मोशन ठीक है यहां पर अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है तो रोटेशनल मोशन होगा हंड्रेड परसेंट अब रोटेशनल मोशन के लिए जो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी टर्म डिफरेंट डिफरेंट है हम फोर्स को रोटेशनल मोशन में टॉर्क कहेंगे इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट जिसे अगर बॉडी सिंपली मूव कर रही है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ओके उस टर्म को क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जैसे बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई तो डिस्प्लेस हुए एक्स डिस्टेंस ठीक है बट रोटेशनल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगल का होगा मींस बॉडी रोटेट करेगी ठीक है रोटेट करेगी तो डिस्प्लेसमेंट एंगल का होगा तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हम यूज करेंगे दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इसे थीटा कहेंगे ठीक है अब देखो बॉडी पर टॉर्क लगा टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा तो ये प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है उस पर इस डायरेक्शन में एंड नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में मींस अगर आपका ये डायपोल है तो पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा रही है मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है और ये जो नेगेटिव आपका चार्ज है इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में इस टॉर्क को इस इलेक्ट्रिक डायपोल को लाने का ट्राई कर रही ठीक है ये समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट ओके नाउ रोटेशनल मोशन में टाउ एंड थीटा ये दोनों टर्म हमारी इंक्लूड हो जाएगी आई होप ये क्लियर है आपको अब हमने हमारे पिछले वीडियो में टाऊ की वैल्यू को डिफाइन किया था एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस टाओ इज इक्वस टू पी ई साइन थीटा या फिर इसको वैक्टर फॉर्म में लिखें तो टाओ इज इक्वस टू पी क्रॉस ई मीन्स जो टॉर्क है मीन्स टॉर्क ऑन दिस डाइपोल इज इक्वस टू पी ई साइन थीटा ओके हियर पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट

एंगल से डिस्प्लेसमेंट किया ठीक है यहाँ पर रोटेट किया है ठीक है इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम थोड़ा रोटेट करें तो उस डिस्प्लेसमेंट में उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ठीक है मीन्स अगर आपने ये इस तरह से डायपोल रखा हुआ है अब आपने क्या किया कि डाइपोल को इस तरह से रोटेट कर दिया ओके दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज ए मान लो कि ये डायपोल की जो इनिशियल सिचुएशन थी दिस विल थीटा एंगल ओके ये थीटा वन एंगल एंड जब हमने एंगुलर डिस्प्लेस किया इस डायपोल को तो उस टाइम एंगल क्या हो जाएगा थीटा टू हम थीटा टू कंसिडर कर लेते हैं ठीक है हमने ऐसे डायपोल रखा था तो इससे रोटेट कर दिया और इस तरह से कर दिया पहली इनिशियल सिचुएशन ये थी और आपकी जो फाइनल सिचुएशन है वो ये है ठीक है तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डी थीटा होगा ओके okay, क्लियर है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेट करने के लिए जो आपने वर्क डन किया है वो ही स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओके अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा ओके सो वर्क डन हम डी डब्ल्यू कंसिडर कर लेते हैं ठीक है और ये जो वर्क डन है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ठीक है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का वर्क डन है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हैं अभी नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट बट यहाँ पर क्या है फोर्स टाउ एंड डिसमेंट कितना हुआ डी थीटा सो डी थीठा एंड दिस विल बी द वैक्टर क्वांटिटी ओके मीन्स अगर हम एक लीनियर मोशन की बात करें तो वहां पर डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट होता था और ये वाला जो फॉर्मूला ये कब हम लिखें जब फोर्स कांस्टेंट हो एट एवरी पॉइंट बट अगर वेरिएबल हो फोर्स वेरिएबल हो एट एवरी पॉइंट देन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स तो बस इसी फॉर्मूले को हमने यहां पर पुट किया है फोर्स के प्लेस पे ये बॉडी रोटेट कर रही है इसीलिए टॉर्क हो गया और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ओके क्लियर है नाउ देखिए अब इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी टाउ मीन्स ये आपका जो डाइपोल है वो वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से ये आपका डाइपोल मान लो और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से उसका मूवमेंट हो रहा है ठीक है मीन्स टॉर्क का डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज बट डी थीटा थीटा वन से आप थीटा टू गए तो डी थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ऑपोजिट टू दिस टॉर्क ओके मीन्स ये क्या है क्लॉक है इसकी डायरेक्शन एंड इसकी डायरेक्शन क्या हो गई एंटी क्लॉक दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है तो दोनों की डायरेक्शन अगर आप ऑपोजिट हैं तो आप इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए डॉट बी ए बी कॉज सो टॉर्क या टाउ इंटू डी थीटा इन टू कॉस वन एटी ओके दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए एंगल वन एटी डिग्री एंड वन एटी डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस वन एटी क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस वन ओके माइनस वन होता है सो so, यहाँ पर नेगेटिव टाउ इंटू डी थीटा ये आपका वर्क डन हुआ ओके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए अब टोटल वर्क डन हो जाएगा तो आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रेट करेंगे सो माइनस टर्म अगर आप बाहर ले लें तो टाउ की वैल्यू क्या है पी साइन थीटा ओके एंड डी थीटा अब कहाँ से कहां तक गए तो थीटा वन से थीटा टू तो लिमिट आपको थीटा वन टू थीटा टू लेना है ठीक है वर्क इज इक्वल टू माइनस ई पी कॉन्स्टेंट है अब डायपोल तो चेंज नहीं कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी यूनिफॉर्म है वो भी चेंज नहीं हो रही तो कॉन्स्टेंट टर्म इज आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन पी ई एंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ठीटा ओके माइनस कॉस ठीठा एंड लिमिट इज थीटा वन टू थीठा टू ओके तो हमारी जो इक्वेशन आई है दैट इज माइनस माइनस प्लस सो प्लस पी ई कॉस ठीटा टू माइनस कॉस ठीटा वन ओके ये आपकी इक्वेशन आई है अब वर्क डन क्या होता है वर्क डन स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ओके तो यही वर्क डन जो है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ओके नाउ चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ओके तो आपका यह नेगेटिव वर्क डन है ये है आपका पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस ठीठा वन ओके ये है आपका u फाइनल माइनस यू इनिशियल तो फाइनल पोजीशन क्या होगी फाइनल थीटा टू जो एंगल आप ले रहे हैं थीटा टू के लिए एंड इनिशियली थीटा वन है अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी हम एक टर्म अज्यूम करेंगे अज्यूमिंग थीटा वन इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री थीटा वन नाइन्टी डिग्री करने का हमारा एम इतना ही है कि ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा ये टर्म जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब हम थीटा वन को नाइन्टी डिग्री करें ओके okay, 90 डिग्री लें तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दिस थीटा वन पॉइंट इज इक्वस टू ज़ीरो मीन्स यू थीटा वन और वी कैन से यू 90 डिग्री पे आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला ज़ीरो ओके okay. तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर एंगल यू थीटा टू इज इक्वस टू थीटा वन के लिए तो ज़ीरो हो गई पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा टू ओके थीटा टू मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो सेम एंगल यहाँ पर होना चाहिए तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं थीटा यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आई है जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं ओके दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखते हैं इस कंडीशन में केस वन केस वन में हम बात करते हैं जब हम एंगल को 90 डिग्री ले लें ठीक है थीटा को क्या ले लें आप ले? 90 डिग्री तो आपने अभी थीटा 90 डिग्री लिया है तो जीरो हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू जीरो सो यू थीटा वन या यू नाइन्टी आपका क्या मिला माइनस ई कॉस नाइन्टी और ये टर्म क्या हो गया जीरो ओके okay. मीन्स अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को 90 डिग्री पर रखें ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और ये आपका डायपोल है यहां पर बी एंड ए ठीक है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में क्या मिलेगी मिनिमम या फिर जीरो ओके okay, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी जब डाइपोल परपेंडिकुलर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एंड टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इज इक्वस टू पी ई साइन थीटा होता है ठीक है साइन थीटा मीन्स थीटा के प्लेस पे अगर आप 90 डिग्री पुट कर दें तो ये आपका साइन 91 वन होता है तो टाउ इज इक्वल्स टू पी ई मीन्स मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम ठीक है ये जो सिचुएशन है ये मैक्सिमम होगा मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और एफ नेट तो जीरो ही है एफ नेट क्या है जीरो हमेशा ये तो जीरो ही होगा ठीक है क्योंकि तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है एंड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे तो नेट फोर्स जीरो तो ये कंडीशन आपका केस नंबर फर्स्ट नाउ केस सेकंड की बात करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस सेकंड केस सेकंड में आपको जो एंगल लेना है दैट इज ज़ीरो डिग्री क्या लेना है जीरो डिग्री मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इस तरह से रखा हुआ है ठीक है दिस इज ए नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज बी और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में रखा हुआ है ओके नाउ एनर्जी की बात करें इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें सो यू इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस पीई कॉस ठीटा और थीटा के प्लेस पे जीरो पुट कर दो थीटा के प्लेस पे यू इज इक्वस टू क्या करें जीरो पुट कर दो ठीक है so, सो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी वन सो so, यू इज इक्वस टू माइनस पीई मतलब मिनिमम आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी इस कंडीशन में जब आप डाइपोल को जीरो डिग्री एंगल पर रखते हैं ओके मींस डाइपोल आ, सेम एंगल पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन पर होगा ठीक है एंड टॉर्क की बात करें सो टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी सो so, आपका जो टॉर्क होगा वो जीरो और नेट फोर्स तो जीरो ही है नेट फोर्स क्या है जीरो तो so, इस कंडीशन में टॉर्क भी जीरो हुआ नेट फोर्स भी जीरो हुआ इसका मतलब ये हुआ ये बॉडी न तो आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकती है और न ही रोटेट करती है बॉडी जैसी है या आपका जो डाइपोल जैसा है वो वैसा ही रहेगा ठीक है इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन इससे इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि अगर आपने इस डाइपोल को थोड़ा सा भी मूव किया थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया थीटा एंगल पर तो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल ये चाहता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए तो थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करेंगे तो वो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा स्टेबल हो जाएगा ओके सो केस नंबर सेकेंड नाउ केस नंबर थर्ड सो केस नंबर थर्ड में आपको ठीटा की जो वैल्यू है वो 180 लेनी है क्या लेनी है 180? ओके okay, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी पी ई -E, कॉस ठीठा और ठीठा के प्लेस पे वन एटी रखेंगे तो आपको माइनस वन होगा ठीक है सो माइनस माइनस प्लस सो यू इज इक्वल्स टू पी ई एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर तो मिनिमम मिली इस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी मिनिमम मिली ठीक है यहाँ अगर परपेंडिकुलर रखें तो तो जीरो बट इस केस में वन एटी डिग्री पर रखें वन डिग्री पर कैसे रखें कि अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल को आपको ऑपोजिट उप, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है ठीक है मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है आपका ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉइंट ए से यहां पर था अब इस साइड आ गया ठीक है तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी एंड टॉर्क जो मिलेगा दैट इज पी ई साइन थीटा सो साइन वन एटी ये भी जीरो होगा तो टॉर्क जीरो नेट फोर्स भी जीरो इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है इसमें भी वही है कि ना तो आप मूवमेंट करवा सकते हैं इस डायपोल का आगे पीछे ऊपर नीचे और न ही रोटेट करवा सकते हैं बट इसमें हमेशा इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अब ये क्यों कहा क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप इस डाइपोल को थोड़ा सा भी मूव करें तो ये अपने पहले वाली कंडीशन में नहीं आती ये डाइपोल अपने पहले वाला कंडीशन में नहीं आता ये पूरा रोटेट होके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाता है ठीक है तो इसीलिए इसे बोलते हैं अस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ओके सो तो ये आपको जो कैसेस है वन टू थ्री दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैसेस इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैसेस आएंगे तो आ, आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू क्या आया माइनस पीई कॉस्ट डीटा एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है पीई साइन टीटा ओके मस्ट रिमेम्बर दिस टू थिंग्स नाउ आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में Uh, काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हम देखेंगे सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच